खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज और सा। आज हम आपको बस्ती की एक ऐसी सड़क से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे ये सड़क है किसी नदी की बहती धारा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये सड़क बस्ती जनपद के मुख्य एरिया दक्षिण दरवाजा पे स्थित है, जो आजादी के बाद आज तक नेताओं और अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार है। जरा सी बारिश क्या होती है, मानो सरयू नदी की धारा बस्ती के इस सड़क में समाहित हो जाती है। इस सड़क से जनपद के सभी थोक व्यापारी होकर गुजरते हैं या स्थित दुकानदारों के सामने बारिश आते ही रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। दुकानों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, जबकि अधिकारी और नेता हैं जिन्होंने जनता की समस्या से मुंह मोड़ रखने में ही अपना भला समझा। बस्ती से समीर अहमद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या भर जाता है, कब से समस्या, क्या समस्या होती है? सर, ये हमारी दुकान आज 30 साल हो गई चलती की सेल में, और 30 क्या और दिन भी पुरानी हो गई। आए दिन बिगड़ वस्तुओं से ये हमारी समस्या है, शुरू से हमारे पास थी, और हाथ से नहीं। हम हमारे पिताजी बैठते थे और पिताजी के बाद हम लोग बैठते हैं, और आने वाले समय में जब हमारे बच्चे भी बैठेंगे इस दुकान पे, हमें लगता है कि शायद इसी समस्या का समस्या हमें हमारे सामने ऐसे बनी ही रहेगी। क्या समस्या है? दिक्कत ये है कि बच्चों से देखते जो आने हो गए, बहुत ही आने वाली है, पानी घड़े से भरा रहता है। देखिए, कम दुकान के दुकान के अंदर बैठे पता था चल रहा, गाड़ी वाले आए दुकान में पानी के लिए चलेंगे। ये कौन सी जगह है? ये शहर का मुख्य चौराहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर बस्ती जिले के कप्तान हेमराज मीणा ने शहर में किया फ्लैग मार्च। कंपनी बाग से लेकर रोडवेज तक पुलिस कप्तान ने पैदल गश्त करते हुए शहर में हो रहे कोविड नियम का पालन का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि संक्रमण अब तेजी से बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर लोगों को नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आज पैदल गश्त के माध्यम से मार्केट में नियमों का पालन करने के लिए लोगों को हिदायत दी गई और लोगों से अपील की गई कि लोग कोरोना से बचाव जरूर करें। को लेकर के आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है? देखिए, आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी है उसको लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जितने भी हमारे उन सभी में ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ पर सबको क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अनुपालन करें लोग और मास्क का प्रयोग करें। इसी को लेकर ये पेट्रोलिंग कोतवाली क्षेत्र में की जा रही है, क्योंकि गांधीनगर हमारे यहाँ का बहुत ही जाता है। उसके अलावा शाम के टाइम पर कुछ अपराधी जो तक ये समय सक्रिय हो जाते हैं, तो उसको लेकर भी अलर्ट में गए और उसको लेकर भी डिस्कशमेंट की जा रही है कि तरफ लोग हैं डिस्कशन की जा सके और मार्केट एरिया में किसी प्रकार की घटना ना हो, कोई वारदात ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सब पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग रखी जा रही है। बस्ती से समीर अहमद की रिपोर्ट। बस्ती लगातार एक हफ्ते से हो रही बारिश के बाद विक्रम जोत में तटबंध पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। बंधे के किनारे स्थित गांव कल्याणपुर के अस्तित्व पर लगातार खतरा बना हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो आनन फानन में बाढ़ विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कटान को रोकने के लिए बोल्डर और बोरियों में मिट्टी भरकर डालने का काम शुरू किया। लेकिन दो दिन काम होने के बाद आज अचानक से बाढ़ विभाग ने अपना काम बंद कर दिया तो ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक बार फिर टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया कि पानी का लेवल कम होने और बारिश बंद होने के बाद फिर काम शुरू होगा। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हरैया तहसील के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने भी ग्रामीणों से बात की और उन्हें बताया कि सरयू की कटान को रोकने के लिए जिला प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है और किसी भी कीमत पर ग्रामीणों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना था कि एक तो समय रहते कटान रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए और जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो काम शुरू भी हुआ, लेकिन दो ही दिन बाद फिर काम बंद कर दिया गया, जिससे गांव के लोगों में नाराजगी है। कैसे तटबंध विहीन कटान में लगे हुए हैं, अभी दो दिन पूर्व इस घर को खाली कराया गया कहते हुए कि यहां पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। एक तो काम के तौर पर सिर्फ बोरियों में मिट्टी डाल करके चंद बोरियां डाली गई, दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बोल्डर अवेलेबल है, जाल अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद बोल्डर से काम नहीं किया गया, जाल में भर करके बोल्डर गिराने का काम नहीं किया गया, यानी काम के नाम पर खाना पूर्ति किया गया, जो कि अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या इसी मिट्टी को डालने के लिए 4 करोड़ 8 करोड़ रुपया लगेगा क्या? तो ये तटबंध विहीन गांव की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर आपके मजदूर या ठेकेदार कहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, वहां पे जो पंडित जी है उनके घर के पीछे जितना काम करा था स्टील की सुरक्षा की जी, कल काम पूरा करा दिया गया। कितना काम हो गया? हमारे जीएल तक जो बनाना था लगभग
वहाँ तो ठोकर का पुनर्निर्माण होना था, पूर्व में ठोकर बना था तो पुनर्निर्माण हो गया। नहीं अभी ठोकर पुनर्निर्माण का काम पूरा, तो 100 बोरियों और मिट्टी से जो है सुरक्षा होगी। कितने बोल्डर वहाँ डाले गए? बरसात के उपरांत यानी काम आपका पूरा हो गया। यहाँ पर ठेकेदार या मजदूर का कोई रोल नहीं। 2022 को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अभी से कमर कस ली है, जिसके क्रम में बस्ती के प्रतिष्ठित व्यापारी व समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा जिला अध्यक्ष रघुनंदन राम साहू ने जन जन तक जाकर सपा के नीतियों के प्रचार किया। पुरानी बस्ती एरिया में आज सपा के व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष ने लोगों के घर घर जाकर सपा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं व्यापारियों की समस्या के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि व्यापारी आज इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हैं। जीएसटी व नोटबंदी ने व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी है। रघुनंदन राम साहू सपा नेता के साथ साथ शहर के समाज सेवी भी हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई थी। बस्ती से समीर अहमद की रिपोर्ट। ये जो आज आपकी तरफ से आह्वान पत्र बांटा गया है व्यापार प्रकोष्ठ के आप जिलाध्यक्ष भी हैं, क्या है मोटिव और किस उसको लेकर के? सर ये आह्वान पत्र हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की नीतियों को जो है जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से जो है भाजपा की सरकार विफल है और उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, यही जो है इसी बात को लेकर के हम लोग जो है जन जन तक जा रहे हैं। और जो हाल इसमें महंगाई का है, जो भ्रष्टाचार का है या जो बेरोजगारी की जो भी समस्या है, उनको लेकर के हम जन जन तक अपनी रीतियों नीतियों को जो है लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस्ती सोनहा थाना क्षेत्र के अहिरौला गांव में 24 वर्षीय विवाहिता द्वारा खुदकुशी कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। अहिरौला गांव निवासी कमलेश शर्मा के मुताबिक कल शाम को उनके घर रिश्तेदार आए थे। उनकी खातिरदारी में उनकी बहन ने उनके बेड पर पड़े चद्दर को रिश्तेदारों के बैठने के लिए बिछा दिया, जिससे कमलेश की पत्नी सीमा शर्मा काफी नाराज हुई। ननद द्वारा रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी में चद्दर बिछाने को लेकर सीमा ने ननद के बजाय पति पर ही बरस पड़ी। उसने न सिर्फ विवाद किया बल्कि अपने कमरे में जाकर अंदर की सिटकनी बंद कर ली। पति कमलेश के अनुसार इसी बीच वह छत पर लगे जीने के फाटक को बंद करने चला गया। वापस लौटा तो पत्नी सीमा ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। रात करीब 8 बजे से 9 बजे तक पत्नी द्वारा दरवाजा न खोलने पर पति कमलेश को शक हुआ। उसने दरवाजा तोड़ा तो पत्नी सीमा दुपट्टे का फंदा बनाकर छत में लगे पंखे से झूल रही थी। उसने उसे नीचे उतारा तो उसकी मौत हो चुकी थी। पत्नी की मौत हो जाने पर उसने पात करीब 9 बजे सोनहा पुलिस को सूचना दी। जानकारी होने पर सीओ रुधौली शक्ति सिंह, एसएचओ सोनहा राजेश कुमार मिश्र व चौकी प्रभारी असन हरा विनय सिंह मौके पर पहुंच गए। एसएचओ ने बताया कि मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? ये घटना कैसे हुई है? मेरे घर से जा रहे थे तो जो मेरी बीवी थी वो अपने बेड पे चद्दर बिछाए थे। क्या नाम था? सीमा शर्मा। मेरी बहन गई चद्दर लेने उसके बेड से, मेरे रिश्तेदार चले गए तो बेड पे गए चद्दर फेंक के चली आई, इसीलिए दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया। इसलिए फिर उसके बाद में मैं छत पे गया दरवाजा बंद करने के लिए, उसके बाद अपने रूम में दरवाजा बंद करके। खबर यूपी लाइव के लिए बजरंगी जायसवाल की रिपोर्ट।